ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਲ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਡੈਲੀ ਮੈਂ ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਹੁਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਬ ਅਮਰਿਤ ਛਕਨਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ। अच्छा या बुरा काम आपकी कास्ट पे, आपकी जात पे या आपके धर्म पे नहीं डिपेंड करता, वो आपकी दिमाग पे डिपेंड करता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको कैसी वाइब्स मिल रही है। अगर हम इसको नेगेटिव वाइब्स देंगे तो ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव ही जाएगा। की नाम है? नाम उज्जल सिंह खालसा। उज्जल है। उज्जल, उज्जल तुसी एक हिंदू फैमिली में बिलोंग करते हो? हाँ जी। पहले तो पेरेंट्स के नाम की ने? मेरे पापा का नाम है मुरारी लाल, तो मेरी माता जी का नाम है रिंकू लाल। अच्छा। किदा दिमाग से यह गल आई कि मैं मतलब हिंदू तो सिख बन जावा और फैमिली च की रिस्पोंस सीगा? ये तो जी देखो अंदरों एक आवाज़ आती है बंदे कि भाई मैं गलत राह चुनना है, सही राह चुनना है। मेरे अगे दो राह सीगे, एक तो दो यार दोस्त सीगे जिन्हां दे नाल लग के मैं गलत राह ते तुर सकदा सी, नशियां वल जा सकदा सी। एक मेरे अंदरों आवाज़ है कि नहीं हुण अमृत छकना ही। काफ़ी टाइम तो क्या है ऐसे करे, अठवीं क्लास तो ये ला लो 6-7 साल हो गए सी कहे हुए कि अमरीश छकना है, सिख सजना है। उदो मना करता मम्मी ने कि भाई कि तो छोटा है हले तो रहत मर्यादा नहीं रखो, नहीं हले रुक जा। तो फिर मुड़ के मैं मान गया चलो कोई नहीं ठीक है। फिर बाद फिर मैं क्या नहीं हूँ छकना तो ऐसा हो अंदरों हो गया पूरा। पर उसके मतलब अपने उत्ते कॉन्फिडेंस तो एक अंदरों आवाज़ कहते ने रब अपने आप रात तक धक्का देंदे उस रात से सही रात जी पाना होंगे। तो वो रात फिर उन्होंने रब ने मैंने खिंच लिया कि नहीं तू हूँ मेरे ना जुड़ जा, बाणी ना जुड़, बाने ना जुड़। अच्छा। कितों अमृत छकिया सीगा? पहले तो की नाम सी? मेरा पहला नाम सीगा साहिल लाल। अच्छा। तो हूँ मेरा नाम है उज्जल सिंह खालसा। किदा कितों छकिया अमृत? अमृत मैनू मैं छकिया सी 2021 14 मार्च 2021। अच्छा। किदा लगता हूँ मतलब घर के जो बाकी है वो सारे मंदिर च मत्था टेकते हैं, तुम गुरबाणी पढ़ते हो? हाँ जी मैं अपना पाठ करता। तो ये नहीं कि भी मत्था नहीं टेकना तो रिस्पैक्ट भी नहीं करनी। रिस्पैक्ट सारे धर्मां दी आ, किसी भी कोई फालतू नहीं बोलता। या कई होंगे ना कि भाई ठीक है मैं सिख सज गया, तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम भी सिख सज हो। कई मैं सुनया करते लोग कि तुम किसी होर धर्म के हो, मैं किसी होर धर्म का इदा इदा करते हैं। मेरे साढ़े घर इदा नहीं है, मैं रिस्पैक्ट सारे नहीं करता, भावें हिंदू हो, भावें मुस्लिम हो, भावें ईसाई हो, किसी डिसरिस्पैक्ट नहीं करनी, रिस्पैक्ट सारे नहीं करनी। पर मत्था जोड़ा गुरुद्वारा साहिब टेकना है, होर भी टेकनी। अच्छा। घर के की कहते जो मत्था टेकया जो आप सिंह बने? घरद ने एक गल कही थी कि जे बेटा जे छकना है अमृत तां छक, लेकिन कोई गलती ना करे, जिदा रहत मर्यादा से कोई कमी ना हो, कोई बेअदबी ना हो। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਬਿਨਾ ਲਗਾਏ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਭਾਵੇਂ 4, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਤੂ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੂੰ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਸਕੇ ਬੌਰਨ ਬੌਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਦੀ ਇਸਨੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਥਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਦੀਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ। ਹਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਹਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਤੇ ਥੇ, व्रत भी रखते थे और सुखमनि साहब का पाठ भी हो रहा है घर पे, अखंड पाठ भी करवाया है मैंने कई बार छोटे होते इसके। और हमने हेमकुंड साहब की यात्रा वगैरह भी करी है, गुरुद्वारे में सेवा भी की है। तो इन चीज़ों से ये बड़ा मतलब वो रहता था, अट्रैक्ट रहता था, मतलब इसका शुरू से माइंड ऐसा रहा है कि ये इसको ये चीज़ें अच्छी लगती थी। तो इसने कभी, मतलब ये 8th क्लास में था तभी इसने मुझे बोला था
जब हम लोग पंजाब शिफ्ट हुए थे कि जब भी अपनी क्लास में पंजाबी आयरन सर सरदार बच्चों को देखता था कि कहता था मुझे अमृत छकना है, मैं कहा बेटा आप रुक जाओ क्योंकि इसमें काफ़ी रैत मर्यादा होती है जिसमें आप नहीं फॉलो कर पाओगे, कई चीज़ें होती हैं बाय मिस्टेक हो गई तो आपको फिर उसका भुगतना पड़ेगा, गलत होता है कोई फालतू में मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये रुक गया था, बट उसके बाद ये जब कॉलेज में था जब दिल्ली में, तो इसको फिर अंदर से एक आवाज़ आई थी जैसे नेचुरली इसको अंदर से हुआ कि मेरे को अब अमृत छकना है। तो इसने मुझे बोला कि मैंने ऐसा किया है, मैंने कहा देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम अगर इस डिसीजन पे पूरा प्रॉपर रह सकते हो फुल लाइफ तो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे लिए ये डिसीजन गलत नहीं है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, एटलीस्ट मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही रास्ते का डिसीजन ले, मेरा बच्चा गलत जाने के लिए डिसीजन नहीं ले। तो उस टाइम पर जिसने अमृत छका था 2021। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ठीक है मेरा बेटा जो है वो हिंदू रह के भी अच्छे काम कर सकता है या ये सिख बनने की कोशिश कर रहा है, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुछ ऐसा हुआ था? सर अच्छे काम की बात करते थे, देखो अच्छे काम तो जब ये हिंदू था तब भी अच्छे काम कर रहा था, गंदा काम करना है तो ये सिख बन के भी करेगा, गंदा काम करना है तो ये हिंदू बन के भी। अच्छा या बुरा काम आपकी कास्ट पे, आपकी जात पे या आपके धर्म पे नहीं डिपेंड करता, वो आपकी दिमाग पर डिपेंड करता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको कैसी वाइब्स मिल रही है। अगर हम इसको नेगेटिव वाइब्स देंगे तो ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव ही जाएगा, वो नेगेटिव ही सोचेगा। अगर आप इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि तूने तू कर सकता है तू कर सकता है तो ऑब्वियसली वो काम अच्छा करेगा। अगर मैं उसको कहूँ कि नहीं सर तू नहीं कर सकता तू छोड़ दे तो वो ऑब्वियसली वो उस काम को नहीं कर पाएगा। इट्स डिपेंड कि आगे से उसको कैसा माहौल मिल रहा है, तो उसको हम लोग घर में माहौल इसी तरीके का दे रहे हैं कि वो चाहे वो हिंदू में रहे चाहे वो सिख में रहे वो उसने काम अच्छा ही करना है, गलत और टचवुड आज तक ना इसने कभी मतलब कहीं स्कूल से या कॉलेज से या किसी से भी किसी ने भी ऐसे फिंगर आउट किया हो कि आपके बेटे ने ये मिस्टेक करी है या कुछ भी गलत स्टेप उठाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी में कभी होती है बात ऐसे? ऑब्वियसली सर सोसाइटी में तो आपको पता ही है कि अच्छा कहने वाले भी होते हैं बुरा भी, सामने कहने वाले भी होते हैं पीठ पीछे भी, बट मैं उन चीज़ों को ज़्यादा वो करती नहीं क्योंकि मतलब मेरा थोड़ा हमारा एक तो टाइम टेबल कुछ शेड्यूल हमारा ऐसा है कि जैसे ये मॉर्निंग में कॉलेज होता है मैं अपने वर्क पे होती हूँ, इवनिंग में हम लोग शॉप पे होते हैं तो हमें वैसे ही टाइम मिलता। हाँ लेकिन जैसे कोई रिलेटिव गया किसी का कॉल आ गया कोई फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं हम ओके बाय ठीक है सुन लिया दैट्स इट, उसके अलावा कभी उसको माइंड में नहीं रखा कि उसने बोला कि तूने बेटे को सरदार बना दिया या तुमने ये कर लिया, उस चीज़ को माइंड वहीं का वहीं छोड़ दिया। आने वाले टाइम में जब इसकी मैरिज करोगे इसकी वाइफ भी अमृत छकेगी? सर वो टाइम बताएगा, वो इसकी किस्मत इसके साथ है, मैं कभी इसको फोर्स नहीं करूँगी कि नहीं तूने अमृत छका तो तू सरदार नहीं कुड़ी से शादी कर या अगर हमारे हम हिंदू हैं तो तू हिंदू लड़की से शादी कर, ये सब बाबा जी के ऊपर है, जहाँ जिसका जो नसीब में लिखा है वही होना। आपकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं? मेरी तरफ से कोई रोक टोक।